नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश इस समय मौजूद हूँ यूपी के ट्रोनिका सिटी में। इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम और जय जिनेंद्र। मेरे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी, रमेश जैन शास्त्री जी, जिनकी सानिध्य में ये कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर इस जिस जमीन पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत पवित्र जो है जैन मंदिर, जैन स्थानक और बात करें यहाँ पर जो है जैनियों के लिए प्लॉट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो विशेष तौर पर जैन न्या बोल करके जो भी व्यक्ति शाकाहारी हैं वो यहाँ पर जो है प्लॉट उपलब्ध ले सकते हैं और साथ में जो है धर्म स्थान में अपना जो है प्लॉट ले सकते हैं। बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के रमेश जैन शास्त्री जी से। शास्त्री जी, जय जी। जय जिनेंद्र जी। जैन साहब, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इस जगह पर यहाँ पर जो है इस तरह का जैन स्थानक को लेकर के आपके दिमाग में बड़ा सुविचार विचार आया? भाई साहब, मैं बचपन से ही धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति रहा हूँ और हमारे गुरुदेव पंडित रत्न श्री दादा गुरुदेव श्री रण सिंह जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं जी, तो उनके सानिध्य में मैंने अध्ययन किया और जैन ब्राह्मण परिवार में होते हुए मुझे जैन धर्म स्वीकार किया मैंने। तो 78 से मैं जैन धर्म में एक प्रचारक के रूप में आ गया था जी, जी, जी। और लगभग जब से लेकर आज तक मैं जैन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ और गुरुदेव का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो उनका जन्मदिन दिसंबर में आता है और जब दिसंबर में आता है तो उनके जन्मदिन पर आप जैसे दानवीरों के सहयोग से हम सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल, कंबल वगैरह और राशन हम प्रतिमाह 20 परिवारों को राशन दे रहे हैं। ये 2002 से हमारी संस्था है भगवान महावीर धर्मा ट्रस्ट, उसके अंतर्गत हम कर रहे थे, लेकिन 2017 में हमने एक आत्मदृष्टि परिवार धर्मा ट्रस्ट नए तरीके से उसका गठन करवाया और हमारी आत्मदृष्टि मासिक पत्रिका भी निकलती है, आत्मदृष्टि नाम से हमारा साप्ताहिक पेपर भी है। तो उसमें हम विशेषकर जैन समाज का, जैन धर्म का कहूँ मैं, जैन समाज का नहीं, जैन धर्म का ही हम प्रचार प्रसार करते हैं। चारों संप्रदाय चाहे श्वेतांबर चाहे दिगंबर हैं, मैं किसी भी विशेष संप्रदाय से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी संप्रदायों का मान सम्मान करता हूँ और सभी का आदर करता हूँ। तो हमारे ट्रस्ट का निर्णय था कि इस एरिया में भाई बड़े गाँव में बहुत बड़ा मंदिर है लेकिन इस एरिया में कोई मंदिर नहीं था, तो हमने निर्णय किया सब लोगों के सहयोग से यहाँ दिगंबर जैन मंदिर माता पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं और हमारे दादा गुरुदेव पंडित रत्न श्री रणसिंह जी महाराज के नाम से जैन डिस्पेंसरी और जैन स्थान का हम निर्माण कर रहे हैं। इसमें सब हमारा गरीब बच्चों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब महिलाओं को हम सिलाई सिखाते हैं, उनको सिलाई मशीन देते हैं और जगह जगह हम अपने सेंटर चालू करवाते हैं। तो ये हम समाज हित में हम कार्य कर रहे हैं और ये कार्य हम आप जैसे लोगों के सहयोग से ही कर पाते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हालांकि जैन साहब ने अपने मुखारबिन से वाकई बहुत चीज़ बताई कि कोरोना काल के समय में ये कोई दौरा ही नहीं कि जहां पर जैन समाज सबसे ज़्यादा जो है आगे आया था कहीं ना कहीं कोरोना के समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में, उसी श्रृंखला में यहां पर जैन समाज की ओर से जो है ये कार्यक्रम किया गया है जिसके अंदर जरूरतमंद लोगों को सिलाई और कंबल भी यहाँ पर जो है वितरण किए गए हैं, क्योंकि ट्राई साइकिल भी दे रहे हैं और हमने संस्था ने अब लग 10,000 पोलियो के ऑपरेशन करवाए हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि अभी पोलियो के केस नहीं आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी, अब हम विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल वितरण करते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम संस्था का कार्यक्रम। जैन साहब, आप भी आ जाते हैं, दो शब्द। जय जिंदर जी। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के, वाकई एक इतना जो है, क्योंकि हमेशा जो है देखने में आता है कि जैन समाज विपदा के समय में भी बहुत आगे आया था, कोरोना काल के समय में आगे आया था, हालांकि अभी चौथी तीसरी लहर जो है आने को बताई जा रही है ओमिक्रॉन, वो अभी दिल्ली में प्रवेश नहीं किए, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जरूरतमंद लोगों की आज भी यहाँ पर सेवा की है और जैन स्थानक का यहाँ पर बताया जा रहा है निर्माण किया जाएगा, क्या कुछ है कार्यक्रम बताएंगे? ये पंडित रण सिंह जी महाराज हुए हैं, योगीदास जी महाराज जी के शिष्य रामकृष्ण जी गुरु भाई उनके नाम से, ये दादा गुरु के नाम से आत्मदृष्टि पत्रिका का पत्रिका भी 2002 से निकल रही है और आत्मदृष्टि पत्रिका के माध्यम से हर साल हम ट्राई साइकिल, सिलाई मशीन और कंबल का वितरण करते हैं समय समय पर। पिछले 2 साल कोरोना काल करके हमने कार्यक्रम नहीं किया और पता नहीं गुरु जी का आशीर्वाद मिला, राज्यपाल जी से मिले,
राजपाल जी ने कहा मैं कॉलोनी काट रहा हूँ, हमारे बावर काफी दिनों से थे, धन सिंह जी महाराज जी के नाम से हम एक डिस्पेंसरी चलाएं। अच्छा। आज वो दिन आ गया, धन सिंह जी महाराज जी के नाम से एक डिस्पेंसरी भी बनेगी और जैन मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है और एक जैन स्थान का रूप भी देंगे, क्योंकि जो अपने जैन साधु साध्वी चातुर्मास के खुले काल में विहार करते हैं यमुना पार या यूपी में जाते हैं, उनके लिए रास्ते में 2 रात 4 रात जैसी उनकी व्यवस्था रुकने की उसकी व्यवस्था भी स्थानक के रूप में करेंगे। तो मतलब ये मान के चलिए जैन साहब, यहाँ पर जैन मंदिर और जैन स्थानक दोनों चीज रहेंगी? हाँ बिल्कुल रहेंगे। जैन मंदिर का अलग प्लॉट है 200 गज का, वो मेन रोड पर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी सामने, और पिछली साइड में 300 गज जो राजपाल जी ने जगह दी है वो जगह में अपनी डिस्पेंसरी बनेगी और एक फ्लोर बनाएंगे जैन स्थानक के रूप में। ये जो डिस्पेंसरी रहेगी इसके अंदर जो है कुछ शुल्क रहेगा या निशुल्क रहेगी जो सेवा रहेगी? नहीं, बिना शुल्क के तो किसी को दवाई देते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे 5 रुपए रखो चाहे 10 रुपए रखो। अच्छा, हाँ वो रखेंगे, उससे आदमी को ये लगे मेरे 5 रुपए लगे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस चीज की जो है अवहेलना नहीं होगी या उसकी कदर रहेगी। बहुत अच्छा लगा जैन साहब आपसे जानकारी लेकर के। और दर्शकों यहाँ पर देखो कि जब अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि जैन समाज हमेशा इस चीज में जो है सबसे आगे आता रहा है, कहीं ना कहीं जुड़मन लोगों की सेवा के लिए। जब भी देश और राष्ट्र के ऊपर बात आती है, कहीं ना कहीं विपदा की बात आती है, तो जैन समाज जो है उसमें सबसे आगे रहा है। और इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर जो है ट्रोनिका सिटी में भी जैन स्थानक का और जैन मंदिर का जो है निर्माण किया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया है, और साथ ही जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीन हो जो है क्या बोलते हैं ट्राईसाइकिल हो गई या कंबल है, इस तरह की भी जो है जरूरतमंद लोगों को वितरण की गई है। इन इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीसीएन न्यूज 24 के साथ। मैं अपनी कैमरा पर्सन नीतू सिंह के साथ दिल्ली। दर्शकों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जैन मंदिर और जैन स्थानक का जो है शिलान्यास किया गया, और ये सभी कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं दानदाताओं के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं संदीप चौधरी जी, जो कि शिवसेना पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं जो है इस जो है कार्यक्रम के अंदर इनका प्रमुख जो है योगदान रहा है, कार्यक्रम के अंदर योगदान रहा है। तो बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के संदीप चौधरी जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार, क्या बताएंगे संदीप जी, आज इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर शरीक हुए हैं, कैसा आपको कार्यक्रम लगा है और क्या आप किस तरह से जो है संबोधन करना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा जी, और मुख्य बात यह है कि मकसद बहुत अच्छा है, उद्देश्य बहुत अच्छा है। पंडित रतन पूज्य दादा गुरुदेव श्री रणजीत सिंह महाराज जी के 114वें जन्मदिवस पर के उपलक्ष्य में आज हो रहा है, और मैंने यहाँ पर मेरे मित्र हैं श्री भगवान जैन जी और श्री रमेश शास्त्री जी, उनके द्वारा मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ उनके आमंत्रण पर। आत्मदृष्टि सेवा सदन शिलान्यास समारोह के नाम से आज का कार्यक्रम है, और बड़ा अच्छा उद्देश्य है कि यहाँ पर जो अपने साधु और साध्वी हैं वो आकर रह सकते हैं, यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था, और उसके अलावा जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ मातेश्वरी पद्मावती जैन मंदिर, जैन स्थानक एवं डिस्पेंसरी का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, शिलान्यास है आज। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ शिवसेना दिल्ली प्रदेश की ओर से, और जैसा यहाँ पर साध्वी जी ने कहा कि अधिक से अधिक दान देना चाहिए, और धर्म वहीं जहाँ धर्म है वहाँ दान का भी महत्व है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और धन तभी अच्छा लगता है जब हम धर्म में लगाते हैं। तो जितना हम धर्म में अपना धन लगाएंगे उतना ही वो धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो इस तरह का काफ़ी आशीर्वचन सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आज। और दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो प्लॉटिंग की गई है वो शाकाहारी लोगों को दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ शाकाहार है वहाँ पवित्रता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दिल्ली के बिल्कुल पास में है ये स्थान, और पहुँचने में भी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दिल्ली के पास ही पड़ता है, और ट्रोनिका सिटी का नाम है। तो जिस उद्देश्य से आज श्री भगवान जैन जी अध्यक्ष जी हैं और उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, और वो उद्देश्य उनका पूरा हो, विशेष तौर पर आत्मदृष्टि परिवार की ओर से मैं श्री राजपाल जैन जी का, श्री विपिन त्यागी जी का और श्री मनोज त्यागी जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भूमि दान की इस सुंदर उद्देश्य के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरी टीम को, जितने भी सदस्य पदाधिकारीगण हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
चलिए यहाँ पर मेरे साथ जो है, हालांकि रिश्ते में मेरे पिताजी हैं, मौजूद हैं, और बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। यहाँ पर शरीक हुए, क्या बताएंगे, आज आप कार्यक्रम के अंदर आए, कैसा यहाँ पर कार्यक्रम था, या क्या मैसेज देना चाहेंगे दो दर्शक इस समय देख रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम है वो साजू जी महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हो रहा है, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर की स्थापना होगी, डिस्पेंसरी की स्थापना होगी, साथ में जैन सैन्य की स्थापना होगी, और जितने साधु हमारे जैन संत हैं जो कि आसपास के एरिया में उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, और अनेक बंधुजनों को उस डिस्पेंसरी में लाभ लेने का मौका मिलेगा। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने CCN न्यूज 24 चैनल की तरफ से सभी को साधुवाद देता हूँ, और यह भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये मंगल कामना करता हूँ कि ये समिति, ये ट्रस्ट दिन चुगने रात चुगने उन्नति करे और अपने कार्य में सफल हो। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर आपने देखा कितने अच्छे जो है शब्दों में जो है सभी को साधुवाद और धन्यवाद दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो जैन समाज के साधु साध्वियाँ हैं उनको क्षण भर के लिए रुकना होता है, उनके ठहरने की जो उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो वाकई जो है सराहनीय है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN न्यूज 24 के साथ, नीतू रॉय के साथ CCN न्यूज दिल्ली।